नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करने से पहले मैंने देखा कई लोगों ने द ओरिजिनल्स और लूसिफर की रिक्वेस्ट किया, तो गाइस वो मैं पक्का करूंगा वैम्पायर डायरीज के खत्म होते ही। और गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूँ, बट द प्रॉब्लम इज मेरे कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, मेरे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैं उसकी वजह से थोड़ा बिजी हूँ। तो मैं अभी तो दिन में एक ही वीडियो डालूंगा, बट सून जैसे एग्जाम खत्म होंगे मैं दिन में 2 से 3 वीडियो फिर से डालनी शुरू कर दूंगा। I hope you can understand, bro. Please like, share and subscribe. Please subscribe करो, 1000 सब पे season 3 start होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का video and episode number 12। पहले सीन में हम ज्वेल को देखते हैं जो एक जंगल में थी, और जंगल में उठते हम पाते हैं कि वो बिना कपड़ों की थी, और उसके बाद वो आसपास देखती है तो उसे कुछ कैंपर्स की लाशें दिखती हैं, और हमको पता चलता है इन सबको ज्वेल ने मारा था जब वो एक वेयरवुल्फ थी। और उसके बाद वो उठती है और उन कैंपर्स के कपड़े उठाती है और वो खुद पहन लेती है, और पहनने के बाद वो वहां से जाने लगती है। बट तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर वहां पर गाड़ी आते हुए देखता है, और उसको देखकर वो एक्टिंग करने लगती है रोने की, और वहां पर बैठ जाती है उन लाशों के पास। और पुलिस आगे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तभी वो कहती है किसी जंगली जानवर या फिर वुल्फ ने रात को हमला किया और उसके सारे दोस्तों को मार दिया, और रोने की बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर रही थी। और इसके बाद पुलिस उस पर मान जाती है बात और वहां पर वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, और पुलिस वाला फिर कॉल करके लोगों को बुलाने की कोशिश करता है हेल्प के लिए। बट जैसे वो फोन उठाए तभी हम देखते हैं ज्वेल एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा उठा के उसके पीछे सर पे वार करती है पुलिस वाले के, और उसको बेहोश कर देती है और वहां से वो चली जाती है। यही हम अलीना को देखते हैं जो स्टेफन के घर पे आती है, और वो स्टेफन को ढूंढने लगती है। स्टेफन के नाम मिलने पे वो यहां वहां कमरों में जाके ढूंढती है, और तभी हम देखते हैं स्टेफन अलीना के पीछे उसे डराने के लिए खड़ा था। वहीं पर अलीना समझ जाती है कि स्टेफन उसके पीछे खड़ा है और बोलती है स्टेफन तुम मेरे पीछे हो ना। तभी स्टेफन मुड़ता है और वहां पर किस करते हैं। किस करते समय स्टेफन एकदम टेंस्ड हो जाता है, और ये अलीना समझ जाती है और कहती है तुम्हें किस बात की टेंशन है, कैथरीन उस टूम के अंदर बंद है और अलाइजा के साथ उसने डील कर दी है। तभी स्टेफन बोलता है कैसी डील, क्या भरोसा उसका, अलाइजा कुछ भी कर सकता है, वो सेक्रीफाइस के लिए शायद तुम्हें फिर से हार्म पहुंचाए या फिर हमें भी मार डाले। तो इस वजह से वो टेंस्ड दिखता है, बट अलीना कहती है टेंस्ड होने की कोई बात नहीं है। फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो टाइलर से मिलती है, और टाइलर से मिलने के बाद बताती है कि वो वेयरवुल्फ बाइट से मर सकती है। तभी टाइलर बोलता है कि फिर भी तुमने क्यों अपनी जान जोखिम में डाली जब तुम मेरे बाइट से मर सकती थी, और तुम मेरे साथ क्यों रात भर रही उसको बचाने के लिए। तभी कैरोलाइन बोलती है कि वो एज अ फ्रेंड उसको हेल्प करना चाहती थी, और ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो उसकी केयर करती है टाइलर की। और उसके बाद वहां पर मैट आ जाता है, और मैट आने के बाद टाइलर वहां से चला जाता है क्योंकि वो मैट और कैरोलाइन के बीच में नहीं आना चाहता। वहीं पर मैट उसे किस करता है और कहता है वो अभी भी उसे बहुत लाइक करता है, और वो ब्रेकअप वाली बात को भूल जाए तो अच्छा है क्योंकि ही लाइक सर। और यहाँ पर वो दोनों ज्यादा बहुत ही रोमांटिक और खुश दिखते हैं। अगले ही सीन में हम रोज को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदास दिख रही थी, और वहां पर डेमन आ जाता है उसके बाद, और डेमन से वो बोलती है कि वो 1450 में पैदा हुई थी, इसका मतलब ये 560 ईयर्स की मैं हो चुकी हूँ, और अब कोई बुरा वक्त नहीं है मरने का, और उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ली। बट डेमन उस पर एग्री नहीं करता और कहता है कि ये वेयरवुल्फ बाइट और ये सब तो शायद मिथ हो सकते हैं, और शायद ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और तुमने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी है। तभी डेमन उसके पास जाता है और उसका घाव देखने की कोशिश करता है, और घाव देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो पूरा फैल चुका है, और छोटा सा घाव वो पूरी कमर तक फैल चुका है। और ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली बुरा फील करता है, बट रोज को हौसला देने के लिए कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारा घाव सही हो रहा है, और ऐसा कोई बात नहीं है कि सही नहीं हो सकता, और शायद नॉर्मली धीरे धीरे हील होते हुए सही हो जाएगा। वहीं पर अलीना वो घाव देख लेती है दूर से ही, और वो एकदम घबरा जाती है, बट डेमन उसको रोकता है और आंखों से इशारा करता है कि वो उसे कुछ ना कहे। तभी अलीना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो सही हो जाएगी। और तभी डेमन को अलारिक का फोन आता है, और अलारिक का फोन पे बोलता है कि ज्वेल मिस्टिक ग्रिल्स में है और तुम भी जल्दी आ जाओ, यहाँ पर स्टेफन भी पहुंच चुका है। फिर डेमन रोज की खराब हालत देखते हुए कहता है अलीना से कि तुम उसके पास रुक जाओ और थोड़ी देखभाल कर लेना, क्योंकि इसके थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है और शायद ये मर भी सकती है। ये सुनने के बाद अलीना उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि वो रुकेगी और ख्याल रखेगी रोज का। वहीं पर हम देखते हैं अलीना रुककर उसके लिए बेड सही करती है, उसको बेड पे सुलाती है और उसके साइड बैठती है, और ये देखकर रोज भी बहुत अच्छा फील करने लग रही थी। बट तभी रोज बोलती है कि शायद वो कल का सूरज भी नहीं देख पाएगी, और यहीं अलीना कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला और डेमन उसे बचा लेगा। तभी रोज उसे ब्लड मंगाने के लिए कहती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रही थी। तभी अलीना एक ग्लास में ब्लड लेके आती है, जैसे ही वो ब्लड पीती है वो उल्टी करना शुरू कर देती है, और उसको जैसे कि ब्लड अंदर जा ही नहीं रहा और वो कुछ पी और खा नहीं पा रही है, और उसकी बॉडी ज्यादा पेन कर रही है।
तभी अलीना ये देखने के बाद एक टॉवल लाती है गीला करने के लिए, जिससे कि वो साफ कर सके। और तभी जैसे वो मुड़कर देखती है टॉवल लाकर, रोज बेड पर नहीं थी। और ये देख के अलीना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि उसको क्या हुआ। तभी हम देखते हैं अचानक रोज अलीना पे अटैक करती है और उसे कैथरीन समझती है। और कैथरीन समझ के कहती है, ये सारी तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। और रोज उसका गला पकड़ लेती है। बट तभी अलीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कैथरीन नहीं है, कैथरीन नहीं है। 3-4 बार बोलने पर तब रोज को होश आता है और होश आने के बाद वो एकदम शांत हो जाती है। तभी अलीना उसको बेड पे वापस लेटा देती है और उसके कपड़े और फेस साफ करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि रोज उससे माफी मांगती है अपनी इस हरकत के लिए। तभी अलीना कहती है, नो प्रॉब्लम, वैसे भी तुम होश में नहीं हो और कैथरीन पे तो गुस्सा आना लाजमी ही है। वहीं पर वापस बेड पे लेटने के बाद रोज अपने पुराने दिन की बात करने लगती है कि वो लंदन से बिलोंग करती थी और उसे अपने पुराने घर की याद आ रही है और उसको यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तभी हम देखते हैं कि डेमन रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था और वहीं पर स्टेफन भी था। स्टेफन इजाबेल को मैसेज करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि अलीना का जो कर्स है उसको कैसे तोड़ा जाए। वहीं पर हम देखते हैं डेमन भी आ चुका था रेस्टोरेंट के अंदर और जैसे ही डेमन को देखता है स्टेफन उसके पास जाता है और उसे रोकता है कि तुम ज्वेल को इन सब लोगों के सामने नहीं मारोगे वरना सब लोगों को पता चल जाएगा और ये पब्लिक प्लेस है डेमन, ऐसा मत करना। ये सुनने के बाद डेमन स्टेफन की पहली बार बात मानता है और ज्वेल के पास जाके बैठ जाता है टेबल पर और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी ज्वेल कहती है, यार मैंने कल रात गलती कर दी, मैंने गलत वैम्पायर को मार दिया, मैं तो तुम्हें मारने आई थी। ये सुनने के बाद डेमन को गुस्सा आता है बट वो अपने आप को शांत रखता है। तभी ज्वेल कहती है कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी, अगले महीने भी फिर से वो दिन आएगा जब वो वेयरवुल्फ बनेगी। ये सुनने के बाद डेमन बोलता है कि तुम नेक्स्ट मंथ तक तो शायद जिंदा ही ना रहो। और ये सुनने के बाद ज्वेल की एकदम जल जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि प्लीज तुम मुझे वेयरवुल्फ बाइट का कोई सॉल्यूशन या रेमेडी बताओ क्योंकि रोज मरने वाली है। तभी वो ज्वेल से कहता है, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुम्हें मार देगा, वरना अगर तुमने सॉल्यूशन बता दिया तो उसकी जान बख्श देगा। तभी हम देखते हैं कि ज्वेल का एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल था और वो वहां से उठ के चली जाती है। तभी वो बोलता है कि रोज के लिए तुम सॉल्यूशन बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो बोलते हैं, रोज को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा ना और उसको दर्द हो रहा होगा, उसका बॉडी पेन, उसको इल्यूजन्स आ रहे होंगे और ये सब बातें डेमन खड़ा होकर सुनता है। तो बोला, एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है, तुम उसे स्टेक कर दो और उसे मार डालो, इस दर्द से बढ़िया रहेगा। ये सुनने के बाद डेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, नेक्स्ट लेवल गुस्सा आता है क्योंकि वो रोज की चिंता करता था और शायद रोज की डेथ उसकी वजह से हो रही थी क्योंकि जो ज्वेल थी वो उसे मारने आई थी। इस वजह से डेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वही हम अलीना को देखते हैं जो अभी भी स्टेफन के घर पे ही थी और रोज की देखभाल कर रही थी। वहीं पर जो रोज ने बेड पे खून की उल्टी की थी उसको साफ करने के लिए अलीना नई चादर लाती है स्टोर रूम से और वापस जब आके देखती है तो रोज बेड पर नहीं थी। और ये देखने के बाद अलीना एकदम डर जाती है कि वो कहाँ गई। तभी वो पहले डेमन को फोन करती है क्योंकि उस पर पहले एक बार अटैक हो चुका है। तो डेमन को मैसेज करती है, वॉइस मैसेज जाता है डेमन को कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। वहीं पर हम देखते हैं वो बेडशीट रख कर रोज को ढूंढने के लिए आगे जाती है घर के अंदर और जैसे ही वो अंदर जाती है उसको एक खाली ब्लड बैग मिलता है जमीन पे गिरा हुआ। ये देखने के बाद अलीना अब डरने लग जाती है कि वो एकदम कंट्रोल फ्रीक हो चुकी है और उसके बाद उसको डर लगता है बट वो स्टिल रोज को ढूंढने के लिए जाने लगती है और वो जाते जाते बेसमेंट की तरफ जाने लगती है जहां पर उसे कुछ और ब्लड पैकेट्स मिलते हैं। और उसके बाद वो देखती है कि रोज एक कोने में बैठ के ब्लड जानवरों की तरह पी रही थी और अपना पूरी तरह से कंट्रोल खो चुकी थी। और जैसे वो अलीना को देखती है तो वो उसे कैथरीन समझती है और उस पर अटैक करने के लिए भागती है। और इस बार वो ज्यादा ही कुछ आक्रामक और एंग्री दिख रही थी और बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेव कर रही थी। तभी अलीना अपनी जान बचाने के लिए वहां पड़ी अलमीरा को गिरा देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है बट रोज एक वैम्पायर है, वो अपना पूरा फोर्स लगाती है, उस अलमीरा को हटाती है और वहां से भाग के उसका पीछा करती है। तभी वो अलीना को पकड़ लेती है और एक कोने में ले जाकर उसे मारने की कोशिश करती है। वो कहती है, कैथरीन हो ना तुम और तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी। तभी वो बोलती है, रोज मैं अलीना हूँ, कैथरीन नहीं। तभी रोज को होश आता है और थोड़ा थोड़ा समझने लगती है बट फिर से उस पर ब्लड हावी हो जाता है और वो वापस अटैक करने की कोशिश करती है और उसे दीवार में देके मारती है। ये देखने के बाद अलीना को लगता है शायद अब रोज होश में नहीं आने वाली। तभी वो साइड का पर्दा खींच देती है जिससे कि रोज जलने लगती है क्योंकि उसके पास मैजिक रिंग नहीं थी और जिसकी वजह से वो जलने लगती है और कोने में चली जाती है जलते हुए। और यहाँ से अलीना गेट की तरफ भागने लगती है। अलीना गेट के पास पहुंचती है और खोलने ही वाली होती है तभी रोज वापस आकर अटैक करती है और अटैक करने के बाद अलीना को एकदम दीवार में लगा देती है। वहीं पर अलीना अपना हाथ उसके घाव में डालती है और पूरी तरह से प्रेस कर देती है जिससे रोज को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहीं पर रोज अपना घाव देखने लगती है। इतने अलीना वहां से भागकर ऊपर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है।
जैसे ही वो रूम को बंद करती है, वहां पर बड़ी सी एक टेबल और स्टूल टाइप चीज उसको लगा देती है गेट के ऊपर, और हाथ में एक स्टेक उठा लेती है, और वो बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। जैसे ही अंदर आती है वो पर्दे खोल लेती है कमरे की, जिससे सारी रोशनी हो जाए, और वहां पर वो वेट करने लगती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और ऐसा लगता है कि शायद आज रोज उसे मार ही डालेगी। वहीं पर हम देखते हैं अलीना पूरे दिन उसी कमरे में छुप के बैठी रहती है, कॉल करने की कोशिश करती है बट नेटवर्क नहीं आता, और कमरे में स्टेक पकड़ के खड़ी रहती है आधे से ज्यादा दिन। वहीं पर रात का टाइम हो चुका था और उसे बाहर से आवाजें आने लगती है रोज की, और रोज माफी मांगती है कि उसने जानबूझ के नहीं किया अलीना, तुम बाहर आ जाओ, बट अलीना इतनी डर चुकी थी कि अब उसका बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब बिल्कुल रात हो चुकी थी और उसे एक भी आवाज नहीं आ रही थी रोज की बाहर से, तो अलीना को लगता है शायद रोज वापस नॉर्मल मोड में आ गई है या फिर घर छोड़ के जा चुकी है। तभी अलीना डरते हुए वो टेबल साइड हटाती है, गेट खोलती है, हाथ में स्टेक लेके धीरे धीरे पूरे घर में ढूंढने लगती है, और उसे रोज कहीं भी नहीं दिखती। फिर वो गेट की तरफ देखती है तो गेट खुला हुआ था, और ये देख के थोड़ी घबराने लगती है क्योंकि रात हो चुकी है और अब शायद रोज बाहर घूम सकती है क्योंकि उसके पास मैजिक रिंग नहीं है दिन में घूमने के लिए। तभी वो स्टेक लेके जाती है, उसके एकदम सामने डेमन आके उसे चौंका देता है और पूछता है कि तुम ये स्टेक लेके क्या कर रही हो। तभी बोलती है रोज, और तभी डेमन बोलता है रोज गई कहाँ। वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो कमरे में बंद कर दिया था और उस पर अटैक करने की कोशिश की। ये देखने के बाद डेमन समझ जाता है कि वो अपना कंट्रोल खो रही है और शायद कुछ और बुरा करे। वहीं पर हम देखते हैं रोज स्कूल वाले जो फेस्ट चल रहा था वहां पर पहुंच जाती है। स्कूल के अंदर फेस्ट चल रहा था और बाकी सब लोग स्टूडेंट्स पेरेंट्स कुछ सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, स्टॉल्स लगाए हुए थे, पार्टी कर रहे थे। वहीं पर रोज आ जाती है और वहां पर उल्टियां करने लगती है। उसको उल्टी करते देख एक गार्ड वहां पर उसको देखने आता है और पूछता है कि आपकी तबीयत तो सही है मैम, और उसे देखता है तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी रोज की, और एकदम वो देख के डर जाता है, बट रोज एकदम अपना पेशेंस खोके उस पर अटैक कर देती है और उसको खा जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि ये देखने के बाद वहां के आसपास की पुलिस इन्फॉर्म हो जाती है यहाँ पर कोई वैम्पायर है। तभी एक कपल वहां से जाने लगता है और कहता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, मर गया, और अब हम यहाँ रुकने नहीं वाले। तभी हम देखते हैं लड़की को गाड़ी में बैठा के वो दूसरा लड़का अपने आप बैठने जाता है, बट वहां पर उसकी लड़की वेट ही करती रह जाती है और लड़का आता ही नहीं है। तब हम देखते हैं कि वहां पर विंडशील्ड पे उस लड़के की लाश गिरती है, जिसको देख के उसकी जो गर्लफ्रेंड लड़की होती है वो डर जाती है, वो कार के बाहर निकलने लगती है, और तभी रोज उस पर भी अटैक करके उसको मार डालती है। इससे ज्यादा कुछ हार्म करे उससे पहले स्कूल की पार्टी में डेमन और अलीना आ चुके थे। डेमन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके हाथ पैर पकड़ता है और उसे याद दिलाता है कि वो रोज मैं डेमन हूं, तुम अपने आप को कंट्रोल करो। तभी रोज फिर से होश में आती है और अपनी गर्दन घुमाकर देखती है कि वहां पर दो लाशें पड़ी थी, और वो किसी और की नहीं किसी ह्यूमन की थी। और ये देखने के बाद रोज को बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस होता है और कहती है कि वो जिंदगी में किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करना चाहती थी, जो उसने किया वो सबसे बड़ी उसकी लाइफ की गलती थी। और ये देखने के बाद वो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और मेरी लाइफ खत्म ही हो चुकी है, और बहुत तेज तेज रोने लगती है। और ये देख के अलीना भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल महसूस करती है। तभी डेमन उसे गोद में उठा के अपने घर ले जाता है और अलीना भी पीछे पीछे साथ जाती है, और अलीना के हाथ में अभी भी वो स्टेक था। वही हम देखते हैं रोज वापस बेड पे लेट चुकी है और वो अब थोड़ा आराम फील कर रही है। तभी रोज का हौसला देने के लिए अलीना अपना हाथ आगे करके उसके हाथ में हाथ रखती है, और तभी रोज उससे माफी मांगती है कि जो उसने किया वो सिर्फ एक इल्यूजन में आके किया, वो कभी भी अलीना को हार्म नहीं करना चाहती थी। तभी अलीना बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है और तुम इस स्टेज से गुजर रही हो इसलिए है, और वो रोज का हाथ पकड़कर बैठी रहती है। तभी रोज पूछती है कि तुम इतनी अच्छी और सेंसिटिव क्यों हो। तभी अलीना कहती है यही तो ह्यूमन वाली बात है, और तभी रोज इमोशनल होकर कहती है कि वो अपने ह्यूमन वाले दिन बहुत ज्यादा याद रखती है, चाहे वो 560 साल जी ली हो बट उसकी बेस्ट लाइफ वही थी जब वो एक ह्यूमन थी, और जो लाइफ उसने अपने पेरेंट्स के साथ बिताई थी। और ये सुनने के बाद सब इमोशनल हो जाते हैं, और तभी हमें देखते हैं कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है रोज के, और वो चिल्लाने लगती है और गिराने लगती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है उसे पेट में। और तभी डेमन अलीना को कहता है कि तुम यहां से चली जाओ, वो अपने आप इस चीज को देख लेगा। तभी डेमन उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके दर्द को कम करने की कोशिश करता है, बट डेमन के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये देख के डेमन अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस महसूस करता है, बट उसको अपनी गोद में लेके बैठता है और उसको एक ड्रीम दिखाता है, जैसे कि रोज सोने लग जाती है धीरे धीरे। यह एक किस्म का ड्रीम या फिर विजन दिखाने लगता है, जिसमें रोज एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस, ब्लू कलर की ड्रेस में घूम रही है। वहां पर 3-4 हॉर्सेस है, बड़ा सा लॉन है और ब्यूटीफुल सा फुल सनी डे है। और ये देखने के बाद रोज वहां पर अपने ड्रीम में बहुत ज्यादा खुश दिखती है, वो यहाँ वहां भागती है, और फिर उसे उस ड्रीम के अंदर डेमन दिखाई देता है। डेमन उसके साथ बातचीत करता है और डेमन थोड़ा इमोशनल था
क्योंकि उसे पता था कि उसकी दोस्त रोज आज मरने वाली है। तभी डेमन उससे बातचीत करने लगता है और वहीं पर फिर बताती है वो कि उसकी जो ह्यूमन लाइफ थी वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती है और वो चाहती है कि वापस वो ह्यूमन बन जाए, पर ऐसी वैम्पायर वाली लाइफ वो बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती। वहीं पर हम देखते हैं डेमन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी वो कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, अब शायद मेरे लाइफ एंड होने का टाइम आ गया है। तभी डेमन उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा लव एंड अफेक्शन से देखता है और अब रियल लाइफ वाला डेमन, अब हम रियलिटी में आ जाते हैं, वो एक स्टेक निकालता है अपने हाथ में। वहीं पर रोज उसके बाहों में थी और वो सपना देख रही थी उसके साथ, और तभी वो रोज को स्टेक कर देता है और वहीं पर रोज की मौत हो जाती है और ड्रीम को देखते हुए रोज मर जाती है और उसे बिल्कुल भी पेन नहीं होता और ये रोज की विश थी कि वो बिना दर्द के ऐसी मौत मरे। वहीं पर हम डेमन को पहली बार रोते हुए देखते हैं। डेमन की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे और बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था और डेमन ऐसा करते हुए रोज की लाश को ले जाता है और वहां पर दफनाने के लिए रास्ते में उसे मिलती है शेरिफ और शेरिफ को बोलता है कि उसने इस वैम्पायर को मार दिया। तभी शेरिफ बोलती है कि तुम इस शहर के मसीहा हो डेमन, पर डेमन ज्यादा ना बात करते हुए वहां से चला जाता है और ये देख के थोड़ा शेरिफ को भी अजीब लगता है कि आज बहुत ही इमोशनल दिख रहा है डेमन। वहीं डेमन उस लाश को दफनाने के बाद वापस घर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करता है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना वापस आ चुकी थी और वो बोलता है कि तुम वापस क्यों आई। तभी वो बोलते हैं कि रोज के जाने के बाद मुझे पता है तुम्हें एक थोड़ा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तभी डेमन बोलता है उसे किसी की जरूरत नहीं है और वो बिल्कुल सही है और उसे ग्लैड कि वो मर गई, वरना उसके लिए और प्रॉब्लम हो जाती। ये सुनने के बाद अलीना बोलती है क्यों तुम झूठ बोल रहे हो, हर बार तुम्हें अपने इमोशन छुपाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी रियलिटी में भी जीना सीखो डेमन। तभी डेमन बोलता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है क्या जी रहा है। तभी अलीना बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें फर्क पड़ता है, तुम रोज की केयर करते थे और करते हो और तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा है, बट तुम इसको एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हो। तभी डेमन को गुस्सा आता है और कहता है हाँ मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बैड फॉर माई फ्रेंड रोज कि वो मर गई, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी और वो ज्वेल मुझे मारने आई थी, रोज को नहीं। रोज तो बीच में गलती से आ गई जिसकी वजह से उसकी दोस्त की मौत हो गई। तभी अलीना बोलती है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो और एक अच्छा इमोशनल ह्यूमन इमोशन है और ऊपर से तुम इम्प्रूव कर रहे हो। तभी अलीना उसके गले लग जाती है और वो कहता है अलीना से कि वो बिल्कुल भी ह्यूमन जैसा नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है अपनी दोस्त रोज के लिए और ऐसी सिचुएशन के लिए। और तभी अलीना वहां से चली जाती है, उसको कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और ऐसा मत सोचना कि जो होता है लाइफ में किसी ना किसी रीजन से होता है, तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, बट जितना तुम ह्यूमन फील करोगे उतना तुम ह्यूमैनिटी के पास जाओगे डेमन। और ये सुनने के बाद वो वहां से चली जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। वहीं हम देखते हैं घर पहुंचने के बाद उसे वहां स्टेफन दिखता है। स्टेफन को देखते ही बोलते हैं कि उसे पता चला है कि तुम इजाबेल से बात करने की कोशिश कर रहे हो। तभी स्टेफन कहता है हाँ मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अब तक वो मिली नहीं है, बट वो पूरी कोशिश करेगा उसको ढूंढने की। तभी हम देखते हैं स्टेफन एक लास्ट बात कहता है कि मुझे इजाबेल तो नहीं मिली बट कोई और मिला है जो हमें इजाबेल तक आराम से पहुंचा सकता है। तभी अलीना बोलती है कौन। तभी उनके किचन से निकल के आते हैं अंकल जॉन और ये देखने के बाद अलीना हैरान थी, गुस्सा थी, शौक थी और कई सारे इमोशनल एक साथ थे, क्योंकि अंकल जॉन जो उसके रियल बायोलॉजिकल फादर है उससे वो कभी नहीं मिलना चाहती थी और यहीं पर वो सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर कैरोलाइन से मिलने के लिए उसके घर पे आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें वेयरवुल्फ से इतनी प्रॉब्लम है कि तुम मर सकती हो उसके बाइट से तो पूरी रात रहने की क्या जरूरत थी, तुम मर सकती थी, तुम अपने खुद की जान जोखिम में डाल के मुझे बचाने आई थी और ऐसा तुमने क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और अगर तुम ऐसा करती हो तो शायद बहुत ज्यादा इशू है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो और अगर मैं वेयरवुल्फ हूं तो मैं शायद तुमको मार भी सकता हूँ। ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि वो उसकी केयर करती है, उसका बचपन का दोस्त है, उसको बचपन से जानती है और वो उसको कुछ होने नहीं देगी, इसलिए वो अपनी जान भी खतरे में डालती है। ये सुनने के बाद टाइलर को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब तक उसको इतना प्यार और इमोशनली सपोर्ट किसी ने नहीं किया था, ना कि उसके पापा ने भी नहीं, और ये देख के टाइलर को बहुत अच्छा लगता है। और तभी वो कैरोलाइन को किस करने जाता है और किस कर ही देता है। ये देखकर कैरोलाइन को गुस्सा आता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अब मैट है और ये देख के कहती है कि सब लोगों को मुझे किस करने की क्या पड़ी है, जब देखो हर कोई मुझे किस करता रहता है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन घर के अंदर चली जाती है और टाइलर सोचता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और उसके बाद टाइलर के पास फोन आता है ज्वेल का, ज्वेल उसे एक मिस्टिक फॉल्स ग्रिल में बुलाती है और वहां पर वो बातचीत करने लगते हैं। तभी बातचीत करते हुए ज्वेल बोलती है कि तुम एक वेयरवुल्फ हो और तुम्हारी जो दोस्त है कैरोलाइन वो एक वैम्पायर है। ये सुनने के बाद एकदम शॉक हो जाता है टाइलर कि तुम्हें कैसे पता। तभी वो बोलते तुम स्निफ नहीं कर सकते, तुम सूंघ नहीं सकते कि तुम्हारे आसपास वैम्पायर है कि नहीं। तभी बोलते है नहीं मैं नहीं कर सकता। और ये देख के ज्वेल समझ जाती है कि वो एक नया
वो एक नया वेयरवुल्फ बना है और तभी पूछती है तुम कितनी बार टर्न हुए हो, तभी वो कुछ नहीं बोलता, बट वो अब तक एक ही बार टर्न हुआ है तो उसको इतना वेयरवुल्फ वाली क्वालिटीज नहीं आएंगे। वहीं पर वो बातचीत करने लगते हैं और ज्वेल उसे बोलती है कि वो उसकी दोस्त बनेगी, वो उसे सपोर्ट करेगी और तुम्हें इस वैम्पायर के पास रहने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और किस लिए आई हो, तुम मेसन अंकल से मिलो, ढूंढो उन्हें और यहाँ से जाओ। तभी ज्वेल बोलती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंकल मर चुके हैं और किसी और ने नहीं, तुम्हारी दोस्त कैरलाइन और उसके छोटे वैम्पायर दोस्तों ने उसे मारा है। ये सुनने के बाद टाइलर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैरलाइन किसी को मारे और उसके कोई दोस्त है नहीं क्योंकि वो अकेली वैम्पायर है इस टाउन में। तभी ज्वेल बोलती है कि तुमसे उसने सच नहीं बताया, ये टाउन वैम्पायर से भरा हुआ है और तुम्हें पता भी नहीं है कितने वैम्पायर हैं यहाँ पर। ये सुनने के बाद टाइलर हैरान हो जाता है बट वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता उसकी बात पे। बट ज्वेल कहती है कि तुम्हारे जो अंकल मेसन की डेथ हुई है वो कैरलाइन और उसके दोस्तों की वजह से हुई है और ये देख के एकदम शॉक था टाइलर और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बट यहीं पर एक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं डेमन लास्ट में एक रोड के ऊपर लेट जाता है, वहीं पर एक गाड़ी आके रुकती है और लड़की गाड़ी से बाहर आती है और पूछती है कि तुम रोड पे क्यों लेटे हुए हो। तभी वो बोलता है कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तभी बोलती है रोड पे थोड़ा ना लेटना चाहिए, वो रैंडम लड़की उसको बोल के वहां से उठाने की कोशिश करती है। फिर वो देखती है कि ये तो ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक करते देख वहां से जाने लगती है। बट तभी डेमन झट से खड़ा होता है और उसे हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि तुम यहां से हिलोगी नहीं। तभी वो लड़की रोने लग जाती है और कहती है प्लीज मुझे हार्म मत करना और मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, तू मुझे प्लीज मत मारना। बट डेमन कहता है वो तो तुम्हें पक्का मारने वाला है क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ दे। और जो समझते हैं कि उसके अंदर ह्यूमैनिटी लेफ्ट है जिस तरह की एलिना, उसको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाएगा। तभी वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, लड़की रैंडम उसे रिक्वेस्ट करती है, उससे बैक करती है बट एक बार भी नहीं सुनता डेमन। बट फिर कहता है कि तुम जाओ, जाने दो, क्योंकि उसे फिर एलिना की चिंता होने लगती है। बट जैसे वो लड़की वापस जाने लगती है फिर डेमन अटैक करता है और उसे मार डालता है और कहता है कि जो तुम समझते हो मैं हूँ वो हूँ नहीं। और हम देखते हैं डेमन का ब्लड से भरा हुआ गुस्से वाला चेहरा जिसके अंदर रिग्रेट, गिल्ट, एंगर सब कुछ भरा हुआ था और कहता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है वो उस ह्यूमैनिटी को मिस करता है जो पहले था एक अच्छा इंसान और अब वो नहीं है, वो अब एक वैम्पायर है और वो इस चीज़ से हेट करता है और यही उसके लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो गाइस ये एपिसोड था नंबर 12, आई होप यू लाइक इट। तो गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और कैरलाइन का झूठ पकड़ा गया है, टाइलर शायद उस लड़की के साथ चला जाए, मैट का क्या होगा क्योंकि मैट और टाइलर दोनों को डेट नहीं कर सकती कैरलाइन। वहीं पर हम देखते हैं पहली बार हमने डेमन के आंसू देखे हैं और अब वो आगे क्या करेगा वो भी देखते हैं। तो गाइस अब डेमन को भी इतना बुरा फील होता है अपने ह्यूमैनिटी को लेकर। वहीं पर हम देखते हैं कि इजाबेल को ढूंढने के लिए सब लोग जुट चुके हैं, अब ज्वेल का हम क्या करेंगे ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। आई होप यू लाइक दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो लोंडो। और गाइस प्लीज सपोर्ट करो, आई नो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ वीडियो बनाने में क्योंकि मेरे पास कॉलेज का वर्क, प्रोजेक्ट, इंटरनल्स, असाइनमेंट्स बहुत कुछ मिल रहे हैं। आई विल ट्राई मिनिमम एक वीडियो तो मैं डेली डालूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ख्याल रखो, घर पे रहो एंड बाय बाय लोंडो। We'll be right back.